नमस्कार, मेरा नाम है राहुल और आपका इस यूपीएससी पीटी 2023 चैनल पर स्वागत है। इस वीडियो में मैंने विजन आईएएस टेस्ट नंबर 1 का डिस्कशन किया है। इसका सिलेबस है इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन पर बेस्ड है। इसका सिलेबस मैं आपको बता देता हूँ। पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में है और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, जिसमें से प्रेम्बल, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, सिटीजनशिप, फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी, फंडामेंटल ड्यूटीज, अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, बेसिक स्ट्रक्चर, इमरजेंसी एंड कॉन्स्टिट्यूशनल एंड नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज के बारे में है। इसका रेफरेंस बुक है 19 जो 9th का एनसीईआरटी है वो, एंड 10th एनसीईआरटी, 11th एनसीईआरटी और लक्ष्मीकांत। इसमें करंट अफेयर्स भी जनवरी मंथ का जो विजन मैगजीन है उसमें पूछा गया है, तो मैं डिस्कशन करता हूँ। आपको अगर यह फायदेमंद लगेगा तो आप मेरे सहयोग के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, लाइक करना और अपने दोस्तों में भी शेयर करना। आप अपनी सलाह या फीडबैक कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक यू। देन आई स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन इंसिडेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें 3 ऑप्शन दिए गए हैं और फ्रीडम ऑफ रिलीजन पूछा है, आर्टिकल 25 to 28 के बारे में पूछा है। तो पहला ऑप्शन है, इट इंक्लूड द फ्रीडम टू नॉट फॉलो एनी रिलीजन। ओके, ये तो होगा ही, आप किसी भी रिलीजन को फॉलो कर सकते हो और नहीं भी फॉलो कर सकते हो, ये आपका फंडामेंटल राइट है। इट बार्स ऑल रिलीजियस कन्वर्जन, नो, एक्सट्रीम स्टेटमेंट है। ऑल टाइप का या ओनली, ये सब बिल्कुल एक्सट्रीम स्टेटमेंट होते हैं, वर्ड होते हैं, इसको एलिमिनेट करना है। इट इज़ नॉट अप्लीकेबल टू फॉरेन नेशनल्स, नहीं, ये फॉरेन नेशनल्स पे भी लागू करते हैं। तो फ्रीडम ऑफ रिलीजन इज ए फंडामेंटल राइट प्रोवाइड अंडर आर्टिकल 25 to 28 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। फ्रीडम ऑफ रिलीजन ऑल्सो इंक्लूड द फ्रीडम ऑफ कंसाइंस कंसाइंसनेस, एंड दिस मीन्स दैट ये पर्सन में चूज एनी रिलीजन और मे चूज नॉट टू फॉलो एनी रिलीजन। ओके, देन स्टेटमेंट 1 इज राइट। एंड अब स्टेटमेंट शो को देखते हैं। फ्रीडम ऑफ द रिलीजन इंक्लूड द राइट टू नॉट जस्ट प्रैक्टिस 1 रिलीजन बट ऑल्सो टू प्रोपोगेट इट, मतलब उसको मानोगे और प्रचार भी कर सकते हो। दिस इंक्लूड द परसुएडिंग पीपल्स टू ज्वाइन वंस रिलीजन एंड विलफुल कन्वर्जन फ्रॉम 1 to another। ओके, देन द कॉन्स्टिट्यूशन बार्स फोर्सफुल कन्वर्जन एंड द कन्वर्जन्स डन बाई द इंडेंसमेंट, मतलब फोर्सफुल कन्वर्जन को रोकता है कॉन्स्टिट्यूशन। एंड थर्ड पे मैं देखता हूँ डिस्कशन, फ्रीडम ऑफ रिलीजन इज अवेलेबल नॉट जस्ट इंडियन बट ऑल्सो टू द फॉरन नेशनल्स रिजाइडिंग विद इन द इंडियन टेरिटरी। ओके, देन स्टेटमेंट 1 इज राइट। एंड मूव टू सेकेंड क्वेश्चन। अंडर आर्टिकल 360 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द पावर टू प्रोक्लेम फाइनेंशियल इमरजेंसी इज वेस्टेड इन, तो ये आर्टिकल 360 इम्पावर्स द प्रेसिडेंट, वो प्रेसिडेंट को इम्पावर्स करता है टू प्रोक्लेम ये फाइनेंशियल इमरजेंसी। इफ ही सेटिस्फाइड दैट ये सिचुएशन हैज अराइजन ड्यू टू विच द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और क्रेडिट ऑफ इंडिया और एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी इज अ थ्रेटन। ओके, देन ऑप्शन सी इज राइट। एंड मूव टू क्वेश्चन नंबर 3। रिसेंटली द फॉरेस्ट ऑफ इंडिया रिपोर्ट 2021 वॉज पब्लिश्ड, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ओके, देन इसके में देखते हैं, इट इज द प्रिपेयर्ड एनुअली बाय द फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ द इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड द क्लाइमेट हैज रिसेंटली रिलीज द इंडियन फॉरेस्ट ऑफ द रिपोर्ट 2021। ओके,
ये कवर करता है, इट प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन ऑन द फॉरेस्ट कवर, ट्रीज कवर, मैंग्रोव्स कवर, ग्रोइंग स्टॉक, कार्बन स्टॉक इन इंडिया, फॉरेस्ट फायर्स मॉनिटरिंग फॉरेस्ट एंड कवर इन द टाइगर रिजर्व एरिया अबव द ग्राउंड एस्टिमेट्स ऑफ द बायोमास इन द इंडियन फॉरेस्ट। ओके, ये एनुअली नहीं होता है, बाई एनुअल होता है, और मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट क्लाइमेट जारी करता है, प्रिपेयर किया जाता है ये फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा। ओके, तो प्रिपेयर्ड जो लिखा हुआ है वो सही है, बट बाई एनुअल होना चाहिए था वहाँ, ठीक है। और फिर इसमें देखता हूँ कि देयर हैज़ बीन, सेकेंड पार्ट में देयर हैज़ बीन एन इंक्रीज इन द फॉरेस्ट कवर ऑफ मोर देन द 10,000 स्क्वायर किलोमीटर। आपको ज़्यादा नहीं लगता 10,000? तो ये 2021 की रिपोर्ट में मात्र एज पर द रिपोर्ट इंक्रीज ऑफ द 2,261 स्क्वायर किलोमीटर इन द टोटल फॉरेस्ट एंड द ट्री कवर ऑफ द कंट्री इन द लास्ट 2 ईयर। ओके, और मैक्सिमम थर्ड ऑप्शन देखो, मैक्सिमम इंक्रीज इन द फॉरेस्ट कवर इन द लास्ट 2 ईयर्स हैज बीन द विटनेस इन द मध्य प्रदेश। नो, मैक्सिमम इंक्रीज इन द फॉरेस्ट विटनेस इन द आंध्र प्रदेश, वहाँ पे 647 स्क्वायर किलोमीटर बढ़ा, उसके बाद तेलंगाना, उड़ीसा एंड मध्य प्रदेश एरिया वाइज हैज़ द लार्जेस्ट फॉरेस्ट। जब अगर पूछे कि सबसे ज़्यादा एरिया वाइज कहाँ है, तो मध्य प्रदेश में उसको फॉलो करता है अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एंड मध्य प्रदेश, सॉरी महाराष्ट्र। ओके, देन आई मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। विच ऑफ द फॉलोइंग आर सिमिलैरिटीज बिटवीन द इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम एंड ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम। तो जो ब्रिटिश और भारत में क्या अंतर है वही पूछा है। तो सुपरमेसी ऑफ द पार्लियामेंट, नो, इंडिया में नहीं है, ब्रिटेन में है ये सुपरमेसी, वहां का ब्रिटेन सब कुछ कर सकता है सिवाय पुरुष को महिला और महिला को पुरुष बना के, बाकी उसके अंदर ऐसा कहावत है, उसके अंदर सारे पावर दिए गए हैं। तो इलेक्टेड हेड ऑफ स्टेट यस इंडिया में है, तो एक दो ऑप्शन नहीं होगा, मेजोरिटी पार्टी रूल, हाँ दोनों जगह है, इंडिया में भी है और वहाँ भी है पार्लियामेंट्री सिस्टम। एंड द फिफ्थ पे चलते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग फंक्शनरीज ऑफ नीति आयोग। इसमें पूछा गया कि नीचे का व्हिच ऑफ द फॉलोइंग अपॉइंटमेंट बाय द प्राइम मिनिस्टर, तो प्राइम मिनिस्टर के द्वारा कौन कौन अपॉइंट होता है, तो इसमें चेयरमैन खुद प्राइम मिनिस्टर होता है, तो वो अपॉइंट करता है वाइस चेयरमैन को, स्पेशल इन्वाइटी को एंड द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स को। ओके, देन ऑप्शन ए इज राइट, 2, 3 एंड 4 ओनली। देन मैं 6 पे चलता हूँ, इंडियन फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट इज डिस्क्राइब हैज ए फेडरेशन विद द सेंट्रलाइज टेंडेंसी। भारत का जो फेडरेशन है वो सेंट्रलाइज टेंडेंसी है, वही बारे उसी बारे में पूछ रहा है। विच एमंग द फॉलोइंग प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सपोर्ट दिस टेंडेंसी, कौन कौन से टेंडेंसी हैं जो सपोर्ट करते हैं, तो इसमें ये सिंगल एंड द फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन है। ओके, ये भी हाई है, जो क्योंकि रिजिडिटी जो पावर बची हुई होती है वो पार्लियामेंट के पास होती है, तो इसलिए ये स्टेटमेंट सही है। प्रोविजन ऑफ ऑल इंडिया सर्विस, हाँ ये भी सही है, ऑल इंडिया सर्विस जो है वो सी खाद में सेंटर के होता है। अपॉइंटमेंट ऑफ द स्टेट गवर्नर बाय द सेंटर, हाँ डेली न्यूज में गवर्नर कहीं ना कहीं के बने ही रहते हैं, विवाद रहता है चीफ मिनिस्टर से। तो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर NPR के बारे में है। द इसमें ओनली सिटीजन आर इंक्लूडेड इन द NPR, नो नॉट ओनली, NPR इज द लिस्ट ऑफ द यूजुअल रेजिडेंट ऑफ द कंट्री, जो रेजिडेंट है उनके बारे में ये है। ओके, तो ये बोथ इंडियन एंड नॉन इंडियन, जो नॉन सिटीजन है उनके लिए भी। तो ऑप्शन नंबर 1 इज रॉन्ग एंड इट इज मैंडेटरी फॉर द एवरी यूजुअल रेजिडेंट ऑफ इंडिया टू रजिस्टर इन द NPR, यस मैंडेटरी है। द डाटा फॉर द NPR वॉज फर्स्ट कलेक्टेड इन द 2010 अलॉन्ग विद द हॉर्स लिस्टिंग फेज ऑफ हाउस लिस्टिंग फेज ऑफ सेंसस 2011, यस देन ऑप्शन 2 एंड 3 इज राइट। अब मूव करते हैं 8वें नंबर क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, देर इज ए नो लिमिट टू द पावर ऑफ द पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, नहीं अमेंड लिमिट है, पार्लियामेंट सब कुछ संशोधन नहीं कर सकता, क्योंकि
सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है केशवानंद भारती 1973 में, तो उसमें बोला गया है कि आप बेसिक स्ट्रक्चर को अमेंडमेंट नहीं कर सकता। बेसिक स्ट्रक्चर में बहुत कुछ है, जैसे कि सेकुलरिज्म, डेमोक्रेसी, रिपब्लिक एंड रेट एंड ऑल दिस है। ओके, फेडरेशन। सेकेंड ऑप्शन पे चलते हैं, ओनली द प्रेसिडेंट कैन डिसाइड वेदर एनी मैटर फॉर्म्स ये पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। ओनली द प्रेसिडेंट कैन डिसाइड द वेदर एनी मैटर फॉर्म्स ये पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। नो, सुप्रीम कोर्ट डिसाइड। देन ऑप्शन डी इज राइट। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक के बारे में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 9 है, इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट शेयर होल्डर ऑफ द बैंक। यस, इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट बैंक शेयर होल्डर। इसका हेडक्वार्टर बीजिंग चाइना में है, और बोथ यूएस एंड जापान आर नॉट इट्स मेंबर। यस, मेंबर नहीं है, बिकॉज यूएस लीड वर्ल्ड बैंक एंड जापान लीड एडीबी। ओके, बट एडीबी में दोनों का शेयर बराबर बराबर है, बट यहाँ पे ये दोनों ऑप्शन सही हैं। और फिर हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के तहत, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रॉबैक ऑफ द डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी से नुकसान क्या है भाई? तो नुकसान है कि लीडर और लीडर्स कीप चेंजिंग इन द डेमोक्रेसी, विच कुड लीड टू इंस्टेबिलिटी। एस, चेंजिंग, अगर सरकार बार बार बदलती है तो इंस्टेबिलिटी आती है, पॉलिसी इंप्लीमेंट नहीं हो पाते, जिससे कि नुकसान भी है डेमोक्रेसी का, ये ड्रॉबैक है। देन मूव सेकेंड ऑप्शन, डेमोक्रेसी में लीड टू द करप्शन एज इफ इज बेस्ड ऑन द इलेक्टोरल कंपटीशन। हाँ, चुनाव प्रचार के दौरान भ्रष्टाचार तो होना स्वाभाविक है, क्योंकि उसमें पैसे खर्च होता है और करप्शन इससे होता है, तो ये इसका ड्रॉबैक है। डेमोक्रेसी इंक्रीजेस द चांस ऑफ द रश और द इरिस्पॉन्सिबल डिसीजन मेकिंग। नो, डेमोक्रेसी में यही तो फायदा है, इसका क्वालिटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। जैसे कि इंडिया में लोकसभा के प्रति काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबल है, आर्टिकल 75 सेक्शन 3 के तहत। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट रिगार्डिंग फंडामेंटल राइट के बारे में पूछा गया। दे आर द सिंगल सेंट इन द नेचर एंड कैन नॉट बी अमेंडमेंट। नहीं भाई, संशोधन किया जाता है मिनर्वा मिल्स के तहत 1980 में बोला गया, सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि आप कर सकते हो। और 1973 केशवानंद भारती में आल्सो, उसमें भी कहा गया कि आप कर सकते हो, बट आप बेसिक स्ट्रक्चर को ध्यान में रखो, जो मूल आधार है संविधान का। ओके, देन दे आर अवेलेबल अगेंस्ट द एक्शंस ऑफ द बोथ स्टेट्स एंड द प्राइवेट इंडिविजुअल्स। यस, एंड थर्ड है, दे ऑपरेट एज चेक ऑन द ट्रेमरी ऑफ द बोथ एग्जीक्यूटिव एंड द लेजिस्लेटिव। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट विद रिगार्ड टू द फंडामेंटल ड्यूटीज। फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में क्या सही है ये पूछा है, तो दे कैन बी यूज बाई द कोर्ट्स टू डिटरमाइन द कॉन्स्टिट्यूशनलिटी ऑफ द लॉ। यस, कर सकता है। दे कैन बी इन्फोर्स बाई द पार्लियामेंट थ्रू द डिस लेजिस्लेशन। यस, दोनों कर सकते हैं भाई। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर फीचर्स ऑफ द इंडियन सेकुलरिज्म एज अडॉप्ट इन द कॉन्स्टिट्यूशन। फीचर क्या है इंडियन सेकुलरिज्म का? ओके, देन रिलीजन इज ए पर्सनल मैटर एंड देयर इज नो इंटरफेरेंस बाय द स्टेट। नो, अगर समाज में कोई डिस्टरबेंस होगा तो वो स्टेट इंटरफेयर करेगा, और करना भी चाहिए। देन वन रॉन्ग एंड ऑप्शन टू, नो सिटीजन कैन द डिनाइड एंट्री इनटू एनी एजुकेशन इंस्टीट्यूट ऑफ द स्टेट ऑन द ग्राउंड ऑफ द रिलीजन और द कास्ट। यस, दिस इज राइट। एंड एवरी रिलीजन डिनोमिनेशंस हैज द राइट टू इस्टेब्लिश एंड मेंटेन द चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस विदाउट एनी लिमिटेशन। नहीं, विदाउट लिमिटेशन कैसे होगा भाई? देन उसमें ऑप्शन सी सही था। तो विच ऑफ, फिर चौथे 14वें क्वेश्चन पे चलते हैं, 14 पे, विच ऑफ द फॉलोइंग सुप्रीम कोर्ट केसेस रिलेटेड टू डिस्प्यूट कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द फंडामेंटल राइट एंड डिस्प्यूट्स।
अगर कोहिलो तो है नहीं, वो अनुसूची से शेड्यूल से संबंधित है। एंड देन गोलकनाथ है 1967, ये फंडामेंटल राइट एंड डीपीएसपी से जुड़ा हुआ। मेनका गांधी केस 1978, ये अवार्ड जाने के लिए विदेश जाने के अधिकार पे केस है। एंड ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ भी है इसमें। मिनर्वा मिल्स केस 1980, ये भी जुड़ा हुआ है। तो 2 और 4 सही है, ऑप्शन बी इज राइट। विच ऑफ द फॉलोइंग वुड फॉल अंडर द डिफिनेशन ऑफ द स्टेट एज डिफाइंड इन द आर्टिकल 12 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, आर्टिकल 12 में कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या स्टेट का डिफिनीशन है ये पूछा गया। तो स्टेट में जो जो अब आप ये समझ लो कि ग्राम पंचायत से लेकर और सेंट्रल गवर्नमेंट तक लेकर सब स्टेट के पार्ट होते हैं। दिल्ली मेट्रो, IUADI, UIDADI, UIAI, ओके, एंड द नीति आयोग एंड RBI, सब सभी होंगे। ये बेडल सी न्यूज़ में था, इसका लोकेशन पूछा है, तो ये अंटार्कटिका में था, ये आप मैप में देख सकते हो। विद रेफरेंस टू द सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, CVC के बारे में पूछा है। ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है? नो, नॉट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। इट्स चेयरमैन एंड मेंबर्स आर द अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। यस, अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट। इस्टेब्लिश किया गया था 1964 में CVC को, एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट से। ओके, देन मूव नेक्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट विद रेफरेंस टू द राइट टू द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज प्रोवाइड अंडर द आर्टिकल 32। आर्टिकल 32 है तो वो जान समझ लो कि वो सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड है, और 226 में हाई कोर्ट से संबंधित है। ओके, देन इट इज इन्वोक्ड टू डिटरमाइन द कॉन्स्टिट्यूशनलिटी ऑफ एनी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर और द लेजिस्लेटिव इफ इट इज डायरेक्टली इन्फ्रिंज एनी ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। ओके, राइट, द सुप्रीम कोर्ट हैज ओरिजिनल, नो ओरिजिनल नहीं है सुप्रीम कोर्ट, वो हाई कोर्ट्स के पास। इट इज ये बेसिक फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यस ये है। आगे अब देख ले, फिर 19 चलते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर द रीजन फॉर द क्रिएटिंग यूनियन टेरिटरीज इन इंडिया। भाई यूनियन टेरिटरी क्यों बनाया गया है, रीजन क्या है? तो कल्चर के लिए है, जैसे कल्चर अंडमान निकोबार पुडुचेरी या लक्षद्वीप, मतलब स्ट्रैटेजिक के लिए अंडमान और लक्षद्वीप। एंड द इंटरेस्ट ऑफ द ट्राइबल पीपल है अंडमान के लिए। एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम के लिए पंडुचेरी पुदुचेरी भी है, और ये दमन एंड दीव दादरा नगर हवेली भी है। तो ये होगा डी ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग विच ऑफ द फॉलोइंग विद इन द परव्यू ऑफ द फ्रीडम ऑफ द स्पीच एंड द एक्सप्रेशन एज द गारंटेड अंडर आर्टिकल 19 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 19 के तहत क्या क्या जोड़ा गया? तो इसमें इस साइलेंस है, फ्रीडम ऑफ साइलेंस, यस हम बोल भी सकते हैं, हम नहीं बोलने दोनों का अधिकार है। राइट टू स्ट्राइक, नो राइट टू स्ट्राइक का नहीं है भाई। राइट टू टेलीकास्ट का है, यस। राइट टू नो अबाउट द गवर्नमेंट एक्टिविटीज, यस RTI है ना। तो ऑप्शन 2 को काट के 1, 3 एंड 4 होगा। फिर नेक्स्ट पे चलते हैं 21 पे। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू द नेशनल कमीशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द चाइल्ड राइट, NCPCR के बारे में चलते हैं। स्टेटरी बॉडी है, यस है, बट ये अंडर चाइल्ड लेबर प्रोविजन एक्ट के तहत नहीं आता है। ये आता है कमीशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द चाइल्ड राइट एक्ट 2005 के तहत आता है, ये याद रखना है। 1986 के तहत नहीं आता है, 2005 के तहत आता है। और सेकेंड ऑप्शन इट हैज़ बीन डिजिग्नेटेड एज द एजेंसी ऑफ द मॉनिटर प्रोविजन ऑफ द राइट टू फ्री एंड द कंपल्सरी एजुकेशन, यस ये तो होगा ही भाई। एंड देन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग टू द परख पोर्टल प्रोग्राम शुरू किया था गवर्नमेंट ने, तो उसके बारे में क्या है? कंडक्ट द असेसमेंट फॉर द बोथ स्टूडेंट एंड टीचर एट स्कूल। स्कूल पर स्टूडेंट और टीचर दोनों को लॉन्च किया गया है। ऑल इंडिया काउंसिल फॉर द टेक्नोलॉजिकल एजुकेशन, AICTE के द्वारा। ओके, एंड नेक्स्ट है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द आइडिया ऑफ द लिबरलिज्म इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं लिबरलिज्म क्या है? इंडियन लिबरलिज्म गिव्स द प्राइमेसी टू द राइट टू द इंडिविजुअल्स ओवर द राइट ऑफ द कम्युनिटी। नो, होबर नहीं किया गया, इक्वल है। और द रिजर्वेशन फॉर द SC
एंड एस टी कम्युनिटी इज द कॉन्स्टिट्यूशन आर द एग्जाम्पल ऑफ द इंडियन लिबरलिज्म. यस चलते हैं फिर. विच ऑफ द फॉलोइंग इशू कैन बी टेकन अप बाई द टेकन अप बाई द एन एच आर सी. तो इशू ऑफ द मैनुअल स्क्रीनिंग यस. एंड द प्रॉब्लम फेसेस बाई द नोटिफाइड एंड द डी नोटिफाइड नोटिफाइड ट्राइब्स यस. एंड द इशू रिलेटेड टू द राइट टू हेल्थ यस. बट ये प्रॉपर्टी को लेना बंद कर दिया है 1997 के तहत संशोधन करके. एंड वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड द सोशल आउटलुक रिपोर्ट 2022 वॉज पब्लिश्ड ILO के द्वारा किया गया है. ठीक है, ये मैं 25 क्वेश्चन ये डिस्कस करता हूँ, उसके बाद नेक्स्ट पार्ट में करूँगा, जिससे कि हमें कवर करने में या आपको देखने में दिक्कत न पड़े. और मोबाइल को अगर रोटेट करके आप देखते हो तो बहुत ही अच्छे से आप देख सकते हो. थैंक यू वेरी मच इस टाइम के लिए. और आपको अच्छा लगा होगा तो आप सब्सक्राइब कर देना और शेयर कर देना. थैंक यू.